आओ। चाहिए गूंगी है क्या? अरे गूंगी है, बेगम भी नहीं, मौका अच्छा है। क्या चाहिए? ये ले लो, ये सर्फ सर्फ है, देखो तो ईमान से। टाइम और रुक, अबे एक उम्र में रक्षा नहीं मिल रहा मुझे, पुजारा मिल रही है, रुक। ये अल्लाह हो मौके देता तो हौसले भी दे। ये लो सर लो। अबे तो क्या लेगी? हैं ले पैसे, तो किधर जा रही है? पैसे तो दे, वो पैसे इससे भी ठरकी नहीं है, जी ले जा रही है भैया। अरे ये कौन है भैया, कौन है? एक मिनट, ये मेरी बीवी है भाई। मेरी बीवी है तो यार, ये तो तेरी बीवी है तो हमारे घी क्यों ले जा रही है? अरे एक मिनट यार, इसको डिस्टर्ब ना करो। क्यों? इसको बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। कौन सी बीमारी है भैया? ये नींद में चलने की बीमारी है, इसको ले जाने दो। ले जाने कैसे? तो पैसे नहीं देगी। अरे भाई आप बेफिक्र हो, सुबह मैं लौटा दूंगा। अच्छा हाँ, चलो लौटा देना भैया। ले जाने दो, ले जाने दो। अजीब बीमारी है। ऐसी दो चार बीमार और क्या हुई, दो दुकान। अब क्या चाहिए? देखना जरा, मुझे बुखार है, इस बार ने हाथ तो पकड़ा। क्या चाहिए? इधर ये चाहिए। एक मिनट, सही से पकड़ो, सही से। पैसे तो दे। क्या हुआ भैया? इतनी दफा बोला बीमारी है, ले जाने दो, फिर सुबह लौटा दूंगा। ले जा भाई, इधर आ, इधर इधर आ। वो अंदर कीमती चीज घर में है, घर में। मेरी बीवी आई थी। बीवी? हाँ आई थी। कायम आई? अंदर है। अच्छा सुबह लौटा दूंगा। हमारी बारी आई तो फैल गया। तेरी वजह से सही लगा पड़ा मुझे। क्यों? मैंने क्या किया है? ले तो बोलती नहीं है। ले, ये तो प्लानिंग से आई थी भाई। चल घर पे, चल घर पे तो चलो, लेकिन मनुष्य मारा पता नहीं कैसा बुड्ढा है। हाँ भाई, प्लानिंग से चीटिंग हो रही है मेरी दुकान में। बताओ ग्राहक आ नहीं रहे? एक तो ये मेरे लंबे नहीं आ रहे। मेरा लंबा आ गया तो पूछूंगा, अबे तुम दुकान में बैठे तो मोहल्ले वाला कोई क्यों बावला बनाया मुझ बुड्ढे को? अरे तेरे लंबे नहीं आ रहे। क्या हुआ भैया? अरे क्या बत्ती चली गई? क्या हुआ ये, कहाँ गया अब्बा? आज छुट्टी का दिन था ना, दोस्तों का प्रोग्राम हो गया कि नहाने के लिए चलते हैं। क्लिफ्टन? नहीं, लियारे की नदी में। अच्छा फिर? अब्बा नहाने के लिए गए, दोस्तों ने शर्त लगाई कि जो सबसे गहरी डुबकी मारेगा उसको 100 रुपए इनाम मिलेंगे। अच्छा फिर? आपको तो पता है मैं तो वैसे गोताखोर की औलाद हूँ। नहीं नहीं, फिर पता क्या हुआ, मैंने कपड़े उतारे ना, मैंने डुबकी मारी, मेरे दोस्त मेरे कपड़े लेके भाग गए। फिर क्या किया तूने? फिर अब्बा मैंने नदी से मुंह बाहर निकाला, मुझे सामने केले का तरफ नजर आया। अच्छा। मैंने बोला केले के पत्ते काटो, अपने जिस्म पर बांधो, इज्जत बचाओ। अच्छा, अब अब्बा मैंने केले के पत्ते काट कर अपने जिस्म पर बांधे। अच्छा। जैसे मोहल्ले में घुसा किसी घटिया इंसान ने अपना बकरा छोड़ दिया है। और ये तो अचानक बकरे ने सिर्फ पत्ते खाए। बदनाम करते फिर रहे हो। फिर पता है क्या हो, मैं जाके कूड़े के ड्रम में छुपाऊं।
कूड़े के ड्रम में जाकर छुपाओ, मेरे कानों में एक आवाज आई, तीन लग गए रद्दी पेपर। मैंने बोला चलो इससे अखबार लो, जान बचाओ। उस अखबार वाले के पास गया, उसका घटियापन देखो क्या, जब उसने मुझे मास्टर प्रिंट में देखा है अब्बा, लेके भागा जबरदस्ती अखबार छीने, ड्रेस बनवाया आया हूँ खुदाई कसम। बाजार से गुजरा हूँ, हर आदमी कह रहा है ये फिल्म कहाँ लगी है, ये फिल्म कहाँ लगी है, ये फिल्म देख के बता मुंडा बिगड़ी जाए कहाँ लगी। तुम्हारी औलाद में शुक्र करो रास्ते में बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती आपकी इज्जत का फालूदा निकल जाता। ये देखो मस्तारी है, अबे इज्जत का फालूदा निकाल रहे हो, इज्जत बनाओ, बाप की इज्जत बनाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ अम्मा भी यही कहती है, कहेगी नहीं जो मेरी औलाद है ऐसी। अरे अब बाप हो हमारे, हाँ तो फिर ये क्या किया, ये क्या किया मेरे साथ, सियासत की है तुमने। ये देखो आजकल की नौजवान नस्ल को माँ बाप से जरा 19-20 हो जाए तो माफी नहीं करती। तो 19-20 हो जाए तब ना, ये तो डायरेक्ट 30-35 है। दुनिया के घर में औलाद पैदा होती है, घर के अंदर खूबसूरत बच्चे की फोटो, यहाँ खूबसूरत बच्चे की फोटो, यहाँ खूबसूरत लड़के की फोटो। मेरी बारी पर अम्मा को इवल डेट लिखा दी, दिखाऊंगा नहीं, उसे भी तो शौक है डरावनी फिल्में देखने का। और बात सुन मसीगिरी ना कर, दुकान पे बैठ धंधा कर, समझे यार। इस पोजीशन में मैं धंधा करूंगा क्या, तो धंधा करना है, अब तो अखबार भी है, इसी में सौदा लपेट के दियो।